ज्योतिष की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जब सूर्य धनु राशि में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थित होता है तो उसके कैसे परिणाम होते हैं। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं धनु राशि में सूर्य के परिणामों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य क्या है। देखिए, सूर्य एक नैसर्गिक आत्मा कारक ग्रह है, व्यक्ति की आत्मा को संबोधित करता है। इसके अतिरिक्त इच्छा शक्ति का कारक है, शारीरिक ऊर्जा शारीरिक शक्ति को सूर्य कंट्रोल करता है। फिर सूर्य कारक होता है व्यक्ति के करियर का और समाज में जो भी व्यक्ति का मान है सम्मान है, जो रेपुटेशन है स्टेटस है डिग्निटी है उसको सूर्य दिखाता है। फिर सूर्य पिता का कारक होता है, सरकार का कारक होता है और हृदय को व्यक्ति के हार्ट को भी कंट्रोल करता है। सूर्य व्यक्ति हमारा व्यक्तित्व है, हमारी पर्सनालिटी है, तो हमारी जो पर्सनालिटी है वो सूर्य कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सूर्य के अंतर्गत आती हैं। अब धनु राशि क्या है? देखिए, धनु राशि जो है नैसर्गिक रूप से नवे भाव की राशि है और बृहस्पति इसका स्वामी ग्रह होता है और बृहस्पति की ये मूल त्रिकोण राशि है। बृहस्पति मीन राशि का भी स्वामी है बट बृहस्पति के लिए ये मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए इस राशि में जो है बृहस्पति के और नवे भाव के दोनों के जो गुण हैं वो इस राशि में पाए जाते हैं और ये जो है एक अग्नि तत्व की राशि है। तो ये किन चीज़ों को संबोधित करती है? ये संबोधित करती है धर्म को, ज्ञान को, भक्ति को, विश्वास को, वेदांत को, नैतिक मूल्यों को, हमारे संस्कारों को, भाग्य को, क्योंकि नवा भाव भाग्य का होता है, बृहस्पति खुद भाग्य है इसलिए भाग्य को संबोधित करती है, गुरु को, जो भी गुरु दीक्षा व्यक्ति को प्राप्त हो कभी जीवन में उसको ये राशि कंट्रोल करती है। फिर जो भी उच्च स्तर का ज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, उसको ये राशि दिखाती है। इसके अतिरिक्त प्रशासन को, कानून व्यवस्था को या कानून को इन जनरल, ये राशि कंट्रोल करती है। और इसके अतिरिक्त जो है राजनीति को, पॉलिटिक्स यानी कोई भी जो राजनीतिज्ञ हैं वो इससे देखे जा सकते हैं। और ये राशि जो है दूरदर्शिता को दिखाती है, यानी एक फोर साइटेडनेस को, लंबी सोच को, यानी आप जो हैं आगे तक की सोच रखते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों को ये राशि संबोधित करती है। तो जब सूर्य इस राशि में आ जाता है तो उसके कैसे परिणाम होते हैं, अब उसके बारे में जानते हैं। देखिए, यहाँ पर जब भी हम अब सूर्य की जैसे हम बात करेंगे सारे परिणामों के बारे में, एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि बृहस्पति की स्थिति कुंडली में है कैसी, उसी पर सब कुछ निर्भर करेगा कि अब सूर्य अल्टीमेटली कितना स्ट्रांग है, कितना बलशाली है और कितने वो अच्छे परिणाम दे सकता है। यदि बृहस्पति कुंडली में बहुत अच्छा है और अच्छे राशि में है, अच्छे भावों में है और किसी भी प्रकार के नकारात्मक ग्रहों द्वारा पीड़ित स्थिति में नहीं है, तो ऑब्वियसली बृहस्पति बहुत मजबूत होगा, जिसके कारण अल्टीमेटली ये सूर्य भी मजबूत हो जाएगा। तो अब जो सबसे अच्छे, जो सबसे बेस्ट रिजल्ट्स होंगे पॉसिबल, वो मिलना शुरू होंगे व्यक्ति को। पर अगर ऐसा हो कि बृहस्पति कुंडली में अच्छा नहीं है, नीच राशि में है, खराब भावों में है, पीड़ित अवस्था में है, और ये आपको स्थिति नवमांश कुंडली में भी देखनी है, तो ये अगर स्थिति ऐसी है बृहस्पति की खराब हो रही है तो सूर्य भी अब जो है क्या होगा कि वो उसमें भी अब गिरावट आ जाएगी, उसकी अब शक्ति उतनी नहीं रह जाएगी और सूर्य भी अब बलहीन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब सूर्य के जितने अच्छे परिणाम व्यक्ति को मिल सकते हैं या मिल सकते थे वो अब नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा विविधता आती है जब बृहस्पति के कारण। तो ये जो विविधता है यही एक तरीके से वेरिएशन क्रिएट करती है हर व्यक्ति के स्वभाव में, हर व्यक्ति के जीवन में, सूर्य के धनु राशि में होने के परिणामों में इसके कारण वेरिएशन आता है। तो कोई भी दो व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति हैं, उनकी कुंडली में सूर्य धनु राशि में है और बृहस्पति जो है सबका अलग अलग स्थितियों में है, तो निश्चित रूप से सबके जो जीवन में परिणाम होंगे, सूर्य की जो इंटेंसिटी होगी, उसकी जो प्रबलता होगी, उसके जो उसका जो बल होगा वो निश्चित रूप से अलग अलग हो जाएगा। इसीलिए अब उनके जीवन में जो भी परिणाम होंगे वो निश्चित रूप से अलग हो जाएंगे। तो ये जो वेरिएशन आता है वो बृहस्पति की स्थिति के कारण आता है। अब बृहस्पति जितना अच्छा होगा सूर्य उतना अच्छा, और जितना खराब हो जाएगा सूर्य उतना कमज़ोर होता जाएगा। तो ये बात आपको अब ध्यान में रखनी है। अब परिणामों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जब भी सूर्य यहाँ स्थित होता है तो सूर्य का एक बेसिक गुण जो है वो ये है कि जब भी वो जिस राशि में स्थित हो, ग्रह के साथ जिसके साथ भी वो स्थित हो,
या जिस भाव में स्थित हो उसके गुणों को वो बढ़ाता है, क्योंकि ये सूर्य क्या है, ब्राइट लाइट है, वो दूसरे जो एंटिटी है उसको एक लाइट प्रोवाइड करता है, एक रोशनी प्रोवाइड करता है, तो वो आगे अब बढ़ती है, उसके गुण और उजागर होने शुरू हो जाते हैं। तो जब सूर्य धनु राशि में आता है तो यहाँ पर व्यक्ति के भीतर अब धर्म बढ़ेगा, आध्यात्म बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा। देखें, धनु राशि जो है टोटल अगर हम कहें आध्यात्म को दर्शाती है तो ऐसा नहीं है। आध्यात्म को जो है ये आगे व्यक्ति को आध्यात्मिक बना जरूर सकती है, बट बेसिकली शुरुआत में ये धर्म की ओर लेके जाएगी, क्योंकि नवा भाव धर्म का होता है। आध्यात्म का भाव जो है वो 12वां भाव होता है। तो ये जो राशि है इसका जो आध्यात्म की ओर ले जाने का जो मार्ग है वो धर्म के थ्रू है। तो यहाँ पर व्यक्ति जो है धार्मिक बहुत होते हैं, भक्ति भाव होता है व्यक्ति के भीतर, विश्वास बहुत होता है अपने धर्म में, अपने धार्मिक ग्रंथों के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि होती है, ईश्वर के प्रति बहुत आस्था होती है, श्रद्धा होती है, ऐसा व्यक्ति को ये बनाता है सूर्य यहाँ पर। फिर यदि बृहस्पति अच्छा है तो ये व्यक्ति के भीतर एक अच्छा धार्मिक ज्ञान देगा, व्यक्ति अपने धर्म को जानना चाहेगा। जो भी आप किसी भी धर्म को बिलोंग करें, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, आप अपने धर्म को जानना चाहेंगे, उसकी और गहराई में जानना चाहेंगे, उसके सही अर्थों को जानना चाहेंगे कि धर्म क्या एक्चुअली आपका क्या कहता है, उसकी हकीकत क्या है, ये आपके भीतर एक लालसा होगी उसको जानने की। तो ऐसा जो है सूर्य यहाँ पर व्यक्ति को एक गुण देता है जब वो धनु राशि में स्थित हो। पर ये तब होगा जब बृहस्पति अच्छा है। तो बृहस्पति अगर अच्छा है तो आपका ज्ञान जो है धार्मिक ज्ञान और बढ़ेगा, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आस्था और बढ़ेगी। पर यदि मान लेते बृहस्पति खराब हो जाए तो क्या होगा? तो ये होगा कि सूर्य क्या है, सूर्य अब निगेटिव रूप में थोड़ा सा काम करना शुरू करेगा। सूर्य क्या है? ईगो, यानी आपका अत्यधिक अहंकार आप कह सकते हैं उसको। तो ये अब क्या करेगा कि अब जो है ज्ञान के कारण, या थोड़ा बहुत जो आपने कभी जीवन में कोई व्यक्ति ने ज्ञान हासिल किया धर्म का, उसके कारण अब ईगो भर देगा व्यक्ति के भीतर पर्सनालिटी में। तो अब जो थोड़ा सा जो एक अधजल गगरी छलकच जाए वाला जो हाल होता है वो हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि सूर्य अब ज्ञान की ओर तो लेके जाएगा बट आप पूरी तरीके से अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति खराब हो रहा है और इसलिए गहराई में जब जाएंगे नहीं तो ऊपर का जो सरफेस है बस उसके बारे में जान करके अपने आप को विद्वान समझ सकते हैं। तो ये एक स्थिति बनती है यहाँ पर। तो बृहस्पति इसीलिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बृहस्पति यदि अच्छा है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि व्यक्ति जो है ज्ञानी हो और साथ ही साथ वो अहंकारी हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि अगर बृहस्पति अच्छा है तो व्यक्ति कभी भी अहंकारी नहीं होगा, कुछ भी हो जाए। बृहस्पति यदि अच्छा है कुंडली में, सूर्य कितना भी बलशाली क्यों ना हो, वो कभी अहंकार नहीं आने देगा व्यक्ति के भीतर। और ये बात सत्य भी है कि जितना आप विद्या के करीब जाएंगे, जितना ज्ञान के करीब जाएंगे, उतना जो है आपके अंदर विनम्रता आएगी, उतना आप विनय होते जाएंगे स्वभाव से। तो ये बृहस्पति की स्थिति पर सब निर्भर करता है। तो बृहस्पति अगर खराब है, सूर्य इस राशि में है, तो आपके भीतर जो है ईगो आ सकता है थोड़े से ज्ञान के कारण, तो वो स्थिति यहाँ पर पैदा हो सकती है। अगली बात ये है कि देखें, ये जो राशि है ये आशावादी बनाती है व्यक्ति को। तो जब सूर्य यहाँ स्थित हो तो ये आशावादी बनाते हैं, यानी ऑप्टिमिस्टिक बनाएगा व्यक्ति को स्वभाव से। और ये जो है एम्बिशियस बनाता है, महत्वाकांक्षी बनाता है, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य आपकी जो है अंदर की जो इच्छाएं हैं एक तरीके से उसको कंट्रोल करता है। महत्वाकांक्षाएं हैं कि आप जीवन में कुछ करें, कुछ आगे बढ़ें, अपने करियर में आगे बढ़ें, लोग आपको जानें, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सूर्य कंट्रोल करता है। तो जब यहाँ पर सूर्य स्थित होता है तो अब जो है ये महत्वाकांक्षी बनाएगा व्यक्ति को, और साथ ही साथ आशावादी बनाएगा। पर ये बृहस्पति अगर अच्छा है तो ये जो मात्रा होगी, या कहें कि संतुलन होगा, ये बैलेंस रहेगा, ये सही रहेगा। संतुलित मात्रा में आपके भीतर महत्वाकांक्षाएं भी होंगी और आप आशावादी भी संतुलित मात्रा में होंगे। पर यदि बृहस्पति अच्छा नहीं है कुंडली में तो क्या होगा? तो ये होगा कि भाई आपका जो अब जो ऑप्टिमिस्टिक लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप अत्यधिक आशावादी हो सकते हैं और अत्यधिक महत्वाकांक्षी भी हो सकते हैं। तो
ऐसे केस में व्यक्ति को अब यहाँ पर ये अनरियलिस्टिक एम्बिशंस दे सकता है, जो कि नियरली इम्पॉसिबल एम्बिशंस हो, ऐसी एम्बिशंस जो है व्यक्ति के भीतर ला सकता है। तो ये सारी स्थिति आप देखें कि विविधता जो है बृहस्पति की स्थिति के कारण बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए बृहस्पति को देखना बहुत ज़रूरी है जब भी हम सूर्य को देख रहे हों यहाँ पर धनु राशि में। तो ये होता है दूसरा परिणाम। अब जब सूर्य इस राशि में स्थित होता है तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है कि व्यक्ति जो है वेदांत का, दर्शन शास्त्र का, आध्यात्म का, उच्च स्तर के ज्ञान के प्रति जीवन में आगे बढ़ता है। इसमें व्यक्ति की रुचि बहुत होती है। और देखिए, व्यक्तित्व का स्वामी है सूर्य, तो अब व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व को, उसके सही अर्थ को ढूंढने के लिए ज्ञान का और धर्म का सहारा लेता है। और व्यक्ति एक तरीके से ये सोचता है कि अब यहाँ पर अगर मैं धर्म में, ज्ञान में, अध्यात्म में, दर्शन शास्त्र में, वेदांत में यदि आगे बढ़ता हूँ, ज्ञान प्राप्त करता हूँ, तो शायद मुझे इस बात का उत्तर मिल सके कि मेरा असली व्यक्तित्व क्या है। तो ये सूत्र यहाँ पर दे सकता है व्यक्ति को। पर फिर से बृहस्पति की स्थिति को देखना ज़रूरी है। बृहस्पति कुंडली में जितना मजबूत होगा आपकी रुचि उतनी ज़्यादा हो जाएगी वेदांत की ओर, अध्यात्म की ओर, धर्म की ओर, भक्ति की ओर, उतनी ज़्यादा जो है रुचि होगी, उतना गहरा आपका जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। बट अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छा नहीं है तो ये इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, पर ये बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं होगा। आप फिलॉसफी की ओर, वेदांत की ओर जा सकते हैं, उसका ज्ञान भी आपको हो सकता है, बट एक जो गहराई वाला ज्ञान होता है, गूढ़ ज्ञान होता है, रहस्यात्मक ज्ञान होता है, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बृहस्पति अल्टीमेटली आपको रोकेगा कहीं ना कहीं कि आप बहुत ज़्यादा गहराई में बढ़ सकें। तो ये बृहस्पति की स्थिति पर यहाँ पर भी निर्भर करता है। पर ये देखें कि सूर्य जो है, अगर मान लेते हैं, देखें बहुत सारे कुंडलियों में व्यक्तियों की जो है हो सकता है सूर्य इस राशि में है, पर इसका ये अर्थ नहीं कि हर व्यक्ति ज्ञान और अध्यात्म और दर्शन शास्त्र की ओर जो है बहुत ज़्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट हो, बहुत ज़्यादा वो इंक्लाइंड हो उसकी तरफ या रुचि हो उसकी तरफ, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है पहली बात तो बृहस्पति पर, और दूसरी बात सूर्य के किस भाव में स्थिति है उस पर भी निर्भर करता है। सूर्य अगर यहाँ पर अकेला है तो जो है व्यक्ति को लेके जा सकता है ऐसे क्षेत्रों की ओर, बट अगर सूर्य के साथ कोई अन्य ग्रह बैठ रहे हैं, कोई पाप ग्रह बैठ रहे हैं, तो वो व्यक्ति को फिर से रोकेंगे, किसी न किसी प्रकार से बाधाएं क्रिएट करेंगे कि व्यक्ति अब ऐसे क्षेत्रों की ओर आगे ना बढ़ सके। तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति को भी आपको देखना है कि कुंडली में सूर्य की स्थिति कैसी है। खास तौर से सूर्य अगर धर्म त्रिकोण में स्थित हो, यानी लग्न में, पांचवें भाव में या नवें भाव में स्थित हो, या सूर्य आपका आत्मा कारक ग्रह हो, पर यदि आत्मा कारक है तो उसकी नवमांश में स्थिति जरूर देखिए कैसी है। और यहाँ पर, या फिर सूर्य आपका 12वें भाव में स्थित हो और इसके अतिरिक्त आपका बृहस्पति यदि अच्छा है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को ये ऐसे गूढ़ ज्ञान की ओर जीवन में ज़रूर लेके जाता है। भले ही शुरुआत में आपको लगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बट एक ना एक समय जीवन में ज़रूर आएगा जब आप एकदम से ऐसे क्षेत्रों के प्रति इंक्लाइंड हो सकते हैं। तो ये सूर्य यहाँ पर व्यक्ति को ऐसी जो है क्षेत्रों की ओर लेके जा सकता है, ये एक परिणाम होता है। अब अगली बात ये देखें कि यहाँ पर ये एक बहुत अच्छी स्थिति है कि ये व्यक्ति को सत्यवादी बनाती है। सूर्य यहाँ पर व्यक्ति को सत्यवादी बना सकता है। कानून व्यवस्था के प्रति ये लोग बहुत ज़्यादा, एक कहें अगर लॉ अबाइडिंग होते हैं, यानी कि कानून का पालन करने वाले व्यक्ति होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है न्यायप्रिय होते हैं, क्योंकि जो धनु राशि है वो कानून को संबोधित करती है, न्याय की राशि है वो। तो सूर्य यहाँ पर यदि स्थित होता है, अच्छे भावों में है, बृहस्पति कुंडली में अच्छा है, तो ये व्यक्ति के भीतर जो है अब न्यायप्रियता देता है और कानून का पालन करने वाला बनाता है व्यक्ति को, और ये व्यक्ति को एक सत्यवादी व्यक्ति भी बनाता है। पर ये बृहस्पति अगर खराब हो जाए तो ये सारे गुण बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो गुण है ये सूर्य के नहीं है, ये बृहस्पति के गुण हैं। बृहस्पति ही वो ग्रह है जो कि व्यक्ति के भीतर सत्यवादिता ला सकता है, जो कि व्यक्ति को कानून का पालन करने वाला बना सकता है या न्यायप्रिय बना सकता है। तो इसीलिए बृहस्पति यदि कुंडली में कुपित है, अच्छी अवस्था में नहीं है, तो फिर ये गुण देखने को नहीं मिलेंगे भले ही सूर्य इस राशि में क्यों ना हो। तो सूर्य इस राशि में है, बृहस्पति बेहतर है, अच्छी स्थिति में है, तो फिर ये गुण व्यक्ति के भीतर भी आते हैं। इसके बाद ये देखिए कि ये जो स्थिति है सूर्य की,
सूर्य क्या है, सरकार का कारक है, तो यहाँ पर ये एक अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है ज्योतिष में कि व्यक्ति प्रशासन में काम कर सकता है, राजनीति में काम कर सकता है, राजनीति से जुड़ सकता है, पॉलिटिशियंस हम इससे देखते हैं, और बैंकिंग के क्षेत्र में हो, फाइनेंस के क्षेत्र में हो, या फिजिशियंस हों, रिसर्चर्स हों, वो इससे देखे जाते हैं। क्योंकि जो धनु राशि है वो इन्वेंशंस की भी होती है, आविष्कारों की राशि है, नवाभाव आविष्कारों का होता है, और सूर्य एक उसकी गुणों को और बढ़ा रहा है, तो इससे हम शोधकर्ता देखते हैं यानी रिसर्चर्स देखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक तरीके से प्लेसमेंट होता है सूर्य का कि व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों में कार्य कर सकता है, कानून व्यवस्था में व्यक्ति कार्य कर सकता है, क्योंकि ये न्याय की राशि है, कानून की राशि है, इसलिए ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है कि व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। पर इसमें जो है ये ज़रूर देखें कि बृहस्पति कुंडली में कैसा है, अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा होगा आप उतने ऊंचे पदों पर कार्य कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति जितना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है उतने ऊंचे पद व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होते हैं। तो बृहस्पति यदि अच्छा है तो निश्चित रूप से आप समय के साथ साथ ऊँचे पदों पर कार्य करने का आपको इन क्षेत्रों में मौका भी मिल सकता है। अब इसके बाद ये देखिए कि जब यहाँ पर स्थिति हो तो सूर्य क्या होता है, सूर्य आपके पिता का कारक है, तो यहाँ पर अब देखें पहली बात तो सूर्य जो है यहाँ पर बृहस्पति पर डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या होगा कि अगर बृहस्पति अच्छा है तो इससे पहली बात तो ये पता चलता है कि व्यक्ति के पिता जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ बृहस्पति, हमें अगर बृहस्पति कहीं भी हो, कैसी भी स्थिति में हो, हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि व्यक्ति के पिता हो सकते हैं शायद सरकार में कार्य करते हों, किसी भी विभाग में हो सकते हैं, बट सरकार से जुड़ा उनका कार्य हो सकता है। पर अगर बृहस्पति बेहतर है, अच्छा है, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति के पिता जो हैं व्यक्ति के भीतर एक ऐसे लाइफ लेसन्स व्यक्ति को देंगे जो कि उसके व्यक्ति के आगे काम आएंगे जीवन में, कोई भी एक ऐसे लाइफ लेसन्स वो दे सकते हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि अब जो व्यक्ति के पिता हैं वो काफ़ी ज़्यादा फिलोसफिकल हो सकते हैं, वेदांत के प्रति उनकी रुचि हो सकती है, और इसीलिए वो आध्यात्मिक ज्ञान, वो दर्शन शास्त्र का ज्ञान, या वो एक तरीके के जो लाइफ लेसन्स हैं वो अब व्यक्ति के जो पिता हैं वो व्यक्ति के भीतर अब वो लाइफ लेसन्स देने का प्रयास करते हैं, इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं अगर बृहस्पति अच्छा है तो। पर यदि बृहस्पति ख़राब है तो क्या होगा, तो ये होगा कि अब इससे पता चलेगा कि अब व्यक्ति के पिता काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर हो सकते हैं, और अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं व्यक्ति के पिता की स्वयं की जो महत्वाकांक्षाएं हैं व्यक्ति के प्रति, उसके ऊपर वो थोपने का प्रयास कर सकते हैं कि अपनी जो एम्बिशंस हैं उसको आपके ऊपर फोर्स करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये आप देखें कि बृहस्पति का जो प्लेसमेंट है वो कितना वेरिएशन ला सकता है यहाँ पर, एक तरफ व्यक्ति के पिता लाइफ लेसन्स दे सकते हैं, दूसरी तरफ अपनी एम्बिशंस व्यक्ति के ऊपर फोर्स कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा वेरिएशन है। तो ये गुरु की जो स्थिति है, बृहस्पति की जो स्थिति है कुंडली में, वो देखनी बहुत ज़रूरी है आपको। फिर जब भी सूर्य यहाँ इस राशि में स्थित होता है तो ये एक नेचुरल रूप से व्यक्ति को बहुत अच्छा टीचर बनाता है, प्रीचर बनाता है, यानी ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे गुरु के रूप में कार्य कर सकते हैं। बृहस्पति यदि बेहतर है तो निश्चित रूप से गूढ़ ज्ञान भी देगा और आपके अंदर एक ऐसी क्षमता देगा कि आप अपने विचारों को, अपने ज्ञान को अच्छे से एक्सप्रेस भी कर सकें, लोगों तक बांट सकें, दूर दूर तक फैला सकें, प्रचार प्रसार कर सकें। तो ये प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत अच्छी राशि मानी जाती है और सूर्य यहाँ पर वेदांत के प्रचार को दिखाता है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद की कुंडली में ये सूर्य धनु राशि में ही है, बट उनका जो सूर्य है बहुत बेहतर है, उनका सूर्य धर्म त्रिकोण में भी है और आत्मा कारक भी है और वर्गोत्तम भी है, तो वो एक रेयर प्लेसमेंट होता है, एक अच्छा प्लेसमेंट है। तो ये मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब भी सूर्य स्थित होता है तो ये व्यक्ति को एक प्रचारक बनाता है, एक अच्छा ज्ञान देता ही है साथ में, बट आप उसको अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, आप दूसरों तक वो पहुंचाएंगे, तो एक अच्छा गुरु भी बनाता है व्यक्ति को, एक अच्छा प्रीचर बनाएगा, एक अच्छा उपदेशक बनाएगा, बहुत अच्छा वक्ता बनाता है व्यक्ति को। तो ये टीचर्स के लिए, प्रीचर्स के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है ज्योतिष में। तो ये सारे परिणाम होते हैं जो कि सूर्य देता है जब वह धनु राशि में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थित होता है। पर देखिए ये यहाँ पर अब सूर्य जो है इस राशि में स्थित होगा तो किसी न किसी नक्षत्र में भी स्थित होगा, उसके बेसिस पर भी अब विविधता आ सकती है, वेरिएशन आएगा। पहला वेरिएशन तो बृहस्पति की स्थिति के कारण आता है, दूसरा वेरिएशन आता है नक्षत्रों में, विभिन्न नक्षत्रों में सूर्य की स्थिति पर, किस नक्षत्र में सूर्य स्थित है।
तो धनु राशि में तीन नक्षत्र हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़। तो इन तीनों नक्षत्रों में जिस भी नक्षत्र में सूर्य स्थित होगा तो उसके कारण भी थोड़े बहुत बदलाव आएंगे स्वभाव में, व्यक्तित्व में। इसी कारणवश अब जो पर्सनालिटीज़ होती हैं ऐसे दो व्यक्तियों का जिनका सूर्य इसी राशि में स्थित हो, तो दोनों का जो स्वभाव में अंतर होगा वो डिपेंड करेगा बृहस्पति की स्थिति पर और सूर्य के कौन से नक्षत्र में वो स्थित है उस पर। तो अगर मान लीजिए सूर्य जो है मूल नक्षत्र में स्थित है तो मूल नक्षत्र में यहाँ पर केतु का प्रभाव अधिक होगा। ये बहुत अच्छा एक प्लेसमेंट माना जाता है वो कि व्यक्ति को ये धर्म की ओर, आध्यात्म की ओर और उच्च स्तर के ज्ञान की ओर लेके जा सकता है, क्योंकि केतु जो है मोक्ष कारक है, केतु आध्यात्म का कारक ग्रह है। मूल नक्षत्र एक बहुत अच्छा नक्षत्र है जो कि व्यक्ति को बहुत गहराई तक का ज्ञान दे सकता है, बिल्कुल गहराई में लेके जा करके गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है व्यक्ति को। बट ये होगा तभी जब बृहस्पति कुंडली में सपोर्ट करे, अच्छा हो। और यदि बृहस्पति खराब है तो फिर ये एक कह सकते हैं कि अब यहाँ पर हम्बलनेस जो होगी वो नहीं होगी व्यक्ति के भीतर, यानी विनम्रता नहीं होगी, और थोड़े से ज्ञान के कारण अब व्यक्ति के भीतर अहंकार भी ये भर सकता है। तो केतु के ये जो नक्षत्र है, मूल नक्षत्र जो है, इसमें भी वेरिएशंस आप देखने को पा सकते हैं बृहस्पति की स्थिति पर। तो बृहस्पति बेहतर है तो ये उतना ही ज़्यादा फेवरेबल होगा कि आप उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे ज्ञान और अध्यात्म की ओर। और यदि वो फेवरेबल नहीं है बृहस्पति, तो फिर ये जो है थोड़े से ज्ञान के कारण जो है बहुत ज़्यादा ईगो भी व्यक्ति के भीतर भर सकता है। तो ये एक ऐसी स्थिति है। पर और इस नक्षत्र में यदि सूर्य स्थित हो तो हम इससे राजनीतिज्ञ भी देख सकते हैं, साधु भी देख सकते हैं, और जो मंक्स होते हैं उनको देखते हैं हम इससे, और ऐसे व्यक्ति जो कि प्रशासनिक सेवाओं में भी कार्य करते हों, तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है ऐसे क्षेत्रों में कार्य करने के लिए। अब दूसरा जो नक्षत्र है वो है पूर्वाषाढ़, तो यहाँ पर शुक्र का प्रभाव अधिक होगा, तो यहाँ पर व्यक्ति के भीतर अब आशावादी व्यक्ति ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य क्या है, आपके भीतर की आशा है, आपके भीतर की जो इच्छाएं हैं उनको सूर्य दिखाता है, डिज़ायर्स। तो यहाँ पर व्यक्ति को ये आशावादी बना सकता है और ये व्यक्ति के भीतर महत्वाकांक्षाएँ भी बहुत भरेगा, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाता है व्यक्ति को। तो यदि बृहस्पति अच्छा है तो ये जो मात्रा होगी इसमें संतुलन बना रहेगा, यानी आप संतुलित मात्रा में महत्वाकांक्षी होंगे, संतुलित मात्रा में आपके भीतर आशावाद होगा यानी ऑप्टिमिज्म होगा। पर यदि बृहस्पति पीड़ित है तो क्या होगा, तो ये संतुलन नहीं होगा, अब यहाँ पर अत्यधिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, क्योंकि अब डिज़ायर्स का लेवल और बढ़ जाएगा तो आप उतने ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी जो है एक वेरिएशन देखने को प्राप्त हो सकता है, बृहस्पति की स्थिति पर ये निर्भर करता है। और ये जो है, पर ये नक्षत्र जो है ये काफ़ी अच्छा माना जाता है कि व्यक्ति के भीतर ये लगातार एक गोल ओरिएंटेडनेस देता है, कि आप जो हैं अपने जीवन में किसी भी अगर एक लक्ष्य के प्रति जो है, एक आपका कोई लक्ष्य है तो उसके प्रति आप समर्पित रहेंगे, और उसको जो है जब तक व्यक्ति पा नहीं लेता है तब तक जो है व्यक्ति लगातार कार्य करते रहते हैं। तो ये एक ऐसा अच्छा नक्षत्र माना जाता है जिसमें कि व्यक्ति छोटे से अगर लेवल पर भी हो तो उससे भी ऊँचे, कई गुना ऊँचे लेवल तक पहुँच सकता है। तो ये एक अच्छी स्थिति मानी जाती है, पर बृहस्पति जो है अच्छा होना चाहिए। और यदि बृहस्पति अच्छा नहीं भी है तो फिर ये क्या स्थिति करेगा, तो ये गोल ओरिएंटेडनेस तब भी रहेगी, पर अब जो है अब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो बाय हुक और बाय क्रुक आपको अपना जो गोल है उसको पाना है, तो वो एक खराब क्वालिटी यहाँ पर लेके आता है। अब अगला आखिरी नक्षत्र है उत्तराषाढ़ नक्षत्र, तो ये सूर्य का खुद का नक्षत्र है, सूर्य इसमें काफ़ी अच्छा महसूस करता है क्योंकि वो उसकी खुद की जोन है, उसका खुद का डोमेन है। तो यहाँ पर सूर्य जो है जब होगा तो ये वेदांत का अच्छा ज्ञान व्यक्ति को दे सकता है और आध्यात्म की ओर लेके जा सकता है। फिर ये एक बहुत अच्छा नक्षत्र है जिसमें महत्वाकांक्षाएँ देता है, संतुलित मात्रा में देगा और ईगोइस्टिक नहीं बनाएगा व्यक्ति को। साथ ही साथ ये एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है कि व्यक्ति प्रशासनिक सेवाओं में, राजनीति में कार्य कर सकता है और कानून व्यवस्था में भी हो सकता है, यानी कानून के क्षेत्र में एडवोकेट्स हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, वो हम इससे देखते हैं।
तो ये जो है ये नक्षत्र इन क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये सारे परिणाम होते हैं जो कि सूर्य देता है जब वह धनु राशि में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थित हो। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें, नमस्कार और धन्यवाद।